हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन वाइट टू वर्जन। क्या पे गए पिछली बार हम लोगों ने यार इस सब बेरियस के यार पासवर्ड को क्रैक कर दिया था। एंड उसके पहले जो है हमने गाइस अपने स्पाइक को इवॉल्व कर दिया था और थ्रू इट्स फाइनल फॉर्म इलेक्ट्रावायर। तो गाइस यार इसका पासवर्ड था दोस्तों 7077। एंड गाइस यार आज हम दोस्तों जाने वाले हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। जिनजोलिन यहाँ पर सामने ही खड़ा। तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे ट्रेनर, तुम यहाँ तक आ गए। बट अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने इतना ट्रबल बचा ही दिया है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये द लेजेंडरी पोकेमॉन ऑफ आइस, इसका नाम है क्यूराम। हम लोगों ने वो फायर किए थे पुलिस स्टेशन में, वो आइस मिसल्स वो क्रिएट किए गए थे क्यूराम की पावर से और टीम प्लाज्मा के टेक्नोलॉजी से। वेल, तुम टीम प्लाज्मा के लिए एक थ्रेट हो और मैं तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता हूँ। ओके, साई भी आ गया यहाँ पे। हाँ, मेरे होते मैं नहीं। थैंक्स फॉर रिमूविंग द बैरियर्स, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मदद थी। हम तुम दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। ओके सो गाइज, हियर वी गो, द्रुदी गेमर वर्सेस द जिनजोलिन एंड द इज द ग्रंट। सो गाइज यार टीम प्लाज्मा जिनजोलिन इज ग्रंट। तो गाइज यार मुझे मतलब कि यार टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना मैं बता दूँ गाइज यार सिंपली कि यहाँ पर अपने डबल बैटल्स हो रहे हैं। अगर सिंगल बैटल में यार हो जाता ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता था। बट वो जो देखो यार, अभी जिनजोलिन बस 3 पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है एंड उसके यार 3 पोकेमॉन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले हैं हमारे खिलाफ, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है गाइज। बट आप लोगों को दिखा दूँ, ओके ग्लोक दे दी है मैंने एंड यस 2 पोकेमॉन तो यार ऑलरेडी जा चुके हैं, बस अभी 4 को ही डाउन करना है। तो देखते हैं अभी ये वो 4 कौन है। वैसे ओके क्रायंगल आ चुका है, फिर से क्रायंगल शायद जिनजोलिन का होगा ये। यस जिनजोलिन का था, बट ग्रंट लेके आ चुका है एक वॉचडॉग। तो मैं वॉचडॉग के ऊपर हमला बोल देता हूँ। ओके उसने क्रायंगल के ऊपर अटैक बोल दिया। ओके कोई बात नहीं, क्रायंगल चलो यार, क्रायंगल भी डाउन हो गया एंड मैं अभी वॉचडॉग को भी हरा दूंगा। तो मतलब कि यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट हो गई हमारे लिए, प्रिटी सिंपल फाइट हो गई है। चलो यार वॉचडॉग भी डाउन हो गया, चलो लेवल 45 का था वो भी। नेक्स्ट अप कौन है देख लेते हैं। वी वाइल ये थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज कर सकता है सर्पेरियर के लिए, बट ओ स्कोलिपीडे इस बार मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इस बार मैं जा रहा हूँ फिर से थंडर लो किक, बट इस बार मैं अटैक करूँगा वीवाइल के ऊपर। ओके लोक नाइट स्लैश, ओ रिंग आउट, ये पता नहीं यार ये अटैक किसका है भाई, कैसे होता है यार। मैंने लास्ट एपिसोड में भी देखा था ये रिंग आउट कर रहे थे सब पॉइजन टाइप अटैक्स। ओके सो यस, हमने वीवाइल को हरा दिया है, बस अभी यहाँ पर स्कोलिपीड को हरा देना है एंड ये बैटल को हम जीत जाएंगे बस यार। ओके स्ट्रीम रोलर, सर्वेरियर ने कुछ अटैक नहीं किया क्या यहाँ पर अब तक? तो चलो यार यहाँ पर मैं थंडरबोल्ट दे देता हूँ, इस बैटल को भी ख़त्म कर देते हैं गाइज। ओके लीफ ब्लेड तो सर्पेरियर हमसे तेज़ है, वो मुझे ध्यान में रखना होगा जब हम अपने ओके उसको सर्पेरियर पॉइजन हो कर दिया, बट कोई बात नहीं, हम जो है थंडरबोल्ट से उसके सर्पेरियर स्कोलिपीड को हम डाउन कर देंगे एंड दैट्स इट। स्कोलिपीड हैज बीन डाउन, लेवल 45 का था स्कोलिपीड। तो चलो यार हमने बैटल को हरा दिया है एंड हरा दिया। हाँ मैं तुम्हें हारने वाला हूँ टीम प्लाज्मा। अभी ये जगह क्या है वैसे? ओ पोकेमॉन वो काफ़ी ज़्यादा आईसी है, क्या उस वही सोर्स हो सकता है ओपन स्टडी में जो अटैक हुआ था? तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्टर हो ट्रेनर, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था। तो अगर तुम इतने ही सेंस रखते हो कि क्यों ना मैं तुम्हें एक और एक दिखा दूँ कि यहाँ पे हम तुम्हारी इतना डेंजरस जो है वो तुम लोग यहाँ पर हमारे बेस में आए। हाँ ये ऑब्वियस था। मैं कुछ भी करूँगा मेरी बहन के पोकेमॉन को छुड़ाने के लिए। और तुम सुन ही हो ना, जो परलियों का एक्सपर्ट है 5 साल पहले चोरी करके गए थे। ओह तो वो बस एक परलियों के बारे में था, तो प्रोबेबली वो किसी ने भी चोरी किया होगा और वो अभी उसका इस्तेमाल कर रहा होगा। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? और यहाँ पे काफ़ी सारे परलियों हैं, क्या तुम लोग उसको पकड़ नहीं सकते? हाँ वो एक आखिरी परलियन था जो मेरे लेट ग्रैंडपा ने मुझे अपनी बहन को गिफ्ट करके कैच करके दिया था। इन
इंडिविजुअल फीलिंग्स, ओके, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। चलो मुझे लगता है कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी बोल नहीं सकता, बट मुझे यहाँ पे मैं कुछ और तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये शिप में एक डिवाइस है जो पोकेमोन क्यूरम की पावर से बनाया गया है, और इस शिप से हम यूनोवा को काबू में कर लेंगे। ऐसा लगता है कि क्यूरम फुल्ली रिकवर हो चुका है, तो हम उसमें डीएन स्पायर्स का इस्तेमाल करेंगे, और मैं तुम लोगों के लिए शैडो ट्रेस के साथ टेक केयर करने के लिए देता हूँ। मेरे साथ मैस मत करो, तुम ही हो जो हार चुके हो। ओके, शैडो ट्रेस आ गए एंड शिट गाइज, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये सीन देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा गाइज। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आवाज़ क्लियर आ जाए, इसलिए मैं चुप हूँ। मैं बस सुनना चाहता हूँ क्या हुआ है। दिया टीम प्लाज्मा, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना गाइस। हाँ नो मैटर, तुम कहाँ पर भी भागो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ वो लोग क्या था वैसे? ओके, खेरन आ चुका है यहाँ पे। ओह सॉरी, मैं लेट हूँ। आई सबसेलेक्ट कि वो लोग जायंट कैज़म में फ्लाई करने जा रहे हैं। हाँ जायंट कैज़म, वो तो 22 के रूट से जाता है, राइट थ्रू। मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। और वो पोकेमोन क्यूरम वही था राइट? वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था राइट? हाँ यार, वो काफ़ी ज़्यादा अकेला था ना, इसलिए शायद रो रहा होगा। क्यूरम, तो टीम प्लाज्मा क्यूरम का इस्तेमाल कर रही है अपने पूरे काम के लिए। तो हम टीम प्लाज्मा को कैसे रोके? फिलहाल टीम क्यूरम एक, जैसा कि ट्रेडर ने कहा था, एक लेजेंडरी ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, और इसे तो रोकने के लिए हमें बस ऋषिराम और जैक्रॉम ही चाहिए होंगे। बट वो तो यहाँ पर आएंगे नहीं, वो लोग तो यहाँ पे अभी है नहीं। नहीं तो अभी हमें क्या करना चाहिए? वो लेजेंडरी पोकेमोन को रिकॉग्नाइज अपने हीरो को कर लिया था। एनीवे, मुझे लगता है कि मुझे उन दोनों में से कुछ को किसी को ढूंढना होगा। अय्या, तुम जायंट कैज़म जा सकते हो रूट 22 से। हाँ गाइस, आपको पता होगा कि कल हम जायंट कैज़म गए थे जब हमने टेरा के अंक को कैच कर लिया था। आप लोगों को टेरा कल नहीं, कल के कल यानी कि थर्सडे के एपिसोड में आपको पता ही होगा, रूट 22 से जायंट कैज़म गए थे। बट वो टीम प्लाज्मा के ग्रंट्स जो थे ना गाइस, वो हमें जाने के लिए नहीं दे रहे थे। तो बट यार, आज मैं देखना चाहूँगा, सबसे पहले तो हीलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले बैटल से थोड़ी सी हीलिंग डाउन हो चुकी थी। जिन जिन के बैटल से मेरी तो ज़्यादा डाउन हुई नहीं थी, क्योंकि यार हमने ज़्यादा कुछ मतलब यार जो अटैक्स हुआ था वो सर्बेरियर के ऊपर हुआ था, हमारे ऊपर कुछ हुआ नहीं। बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ सीधा यहाँ से सुपर एबल बाय करने के लिए दो, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग फुल रिस्टोर। क्योंकि क्या सर, आगे क्या होगा वो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी जो है वो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टॉक भर के रखना चाहता हूँ गाइज। एंड आगे चलकर हमें विक्टर रोड भी एक्सप्लोर करना होगा, एंड उसके बाद भी यार मैं स्टॉक भरूंगा अपना, उसकी भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो गाइज सर, यहाँ पर ना अभी हम चलते हैं सीधा रूट 22 के लिए। यहाँ से मैं स्पीड से क्यों जा रहा हूँ गाइज यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम पास हो जाए, इसलिए मैं यहाँ से स्पीड से जा रहा हूँ। सो क्यों ना यहाँ से अभी सीधा स्पीड से चलते हैं, क्योंकि यार आप लोगों को तो रास्ता पता ही है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आप लोगों को ये कोई नहीं है। मैं गाइजर 2 दिन पहले ये रास्ता एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो आप लोगों को कोई दिखाने का मतलब ही बनता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे तेजी से जा रहा हूँ, ना कि कोई धीरे धीरे चलकर। एंड सुपर एपल भी जायंट कैज़म में। ओके, तो ये लोग यहाँ पर है, तो क्या करें हम? ओके, साहिल भी आ गया यहाँ पे। तुम तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए। ओके, तो वो जो है यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं हमारा भागने का रास्ता, तो मुझे लगता है कि हम उन्हें हरा पाएंगे। ओ तो सब तो कुछ सेट है। ओके, इट्स फाइनली टाइम, कम ऑन लेट्स गो। क्या टाइम आ चुका है, किसका टाइम आ चुका है मुझे पता नहीं। हाँ तो तुम अकेले ही हो, तो क्या तुम हम में से किसको अटैक करोगे? इट्स मी, मैं एक्सट्रीम प्लाज्मा का बंदा हूँ, और जिसे मुझे रूड को एक्सप्लाय करने के लिए कहा गया था। ओह यस, मैं तुम्हें जानता हूँ। टीम एक्स प्लाज्मा काफ़ी ज़्यादा रफ है राइट? ओह, तो एन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था पोकेमोन की तरफ से, और वो बस चाहता था कि हम प्रोटेक्ट करें पोकेमोन को फ्रॉम द बैड पीपल। वेल आई सपोज अगर हम टीम प्लाज्मा को क्रश नहीं कर पाए, देन गाइज लाइक यू
एंड दैट एंड गाय वो हमेशा के लिए एक विलन्स की तरह ही माने जाएंगे. ओके तो मैं ऐसे जा रहा हूँ. ओके सो ओ थैंक यू दैट वॉज नाइस. मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसे चले जाना चाहिए और मैं जितना भी यहाँ पर कोशिश करूँगा तुम लोगों की मदद करने के लिए मैं उतनी करने की जरूर कोशिश करूँगा. फिलहाल के लिए मैं भी यहाँ से चले जाता हूँ. ओके सो यार वो भी जा चुका है बट पता नहीं यार वो एक्स टीम प्लाज्मा कहता तो है बट यार टीम प्लाज्मा तो आपको पता. रुको ना एक सेकेंड वो कुछ तो बात कर रहे हैं ओल्ड अलाइंस की हंट ना हो जाए. ओके रोड है सामने. तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम लोग जब तक सुन लो नेक्सस का रियल प्लान है यू नो हरिजन को अपने काबू में करना और पोकेमोन को लिबरेटिंग करना वो बस एक्सक्यूज है और अगर कुछ भी हो जाए तो पोकेमोन को सफ़र करना पड़ेगा. हे ये कुछ भी बोल रहा है इसकी बात मत सुनो ये अभी बुढ़ा हो गया. हाँ हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले तुम जैसे ट्रेटर में जो हमें स्पाई कर रहा था. हाँ लगता है कि वक्त नहीं होगा. हे अरे यार ये साहिल पागल है यार. ओके मैं तुम्हें बता देता हूँ. ओ तुम क्या बताओगे तुम किसको हट करोगे. हाँ मुझे अपने चुराए हुआ पोकेमोन वापस चाहिए. मैं तुम दोनों भी रंस का नहीं हूँ रूड एस्टीम प्लाज्मा और कितने पोकेमोन से तुम्हारे बाय साइड. हाँ क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए. अगर तुम्हारे पोकेमोन प्रीशियस पोकेमोन हर्ट हो गए तो तुम्हारे आइडियल्स डैमेज हो जाएंगे एंड अब वारी है फाइट की. तो ये बस बच्चा है तुझे अभी शट अप करना पड़ेगा. ओके तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा प्लाज्मा फ्रिगेट के पास. सबको वाइप आउट कर दो. ओके यस हमें पता है क्या करना है. यस साहिल भी कह रहा है कि हमें क्या करना है पता है गाइस यार. तो चलो यार हरा देते हैं अभी इस क्विक बैटल को कंप्लीट कर जाए हमने. ओ क्या तुम्हारे पोकेमोन ठीक है मैं तुम्हें ये रिमैक्स रिवाइव दे देता हूँ. ओके थैंक यू सो मच यार रूड. तुम भी लो. थैंक्स मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ. ऐसा लगता है कि हमारा बैकअप आ चुका है. ओके तो गाइजर यहाँ पर बैकअप आ चुका है एंड उन लोगों का बैकअप आ चुका था हमारा नहीं तो सॉरी मेरे से थोड़ा गलती से सुना. बट यार यहाँ पर रोड ने यहाँ पर हमारे के मदद के लिए ऐसे हमें आगे की तरफ जाने के लिए रास्ता दे दिया है. तो चलो गाइजर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो गई कि शैडो ट्रायल से भी हमें अगर आगे की तरफ बचकर जाना होगा. गॉट इट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो राइट ध्रुव. तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो मैं चले जाता हूँ. ओके सो लेट्स गो गाइस यहाँ पर हम भी चले जाएंगे आगे की तरफ. बट फिलहाल के लिए गाइस यार यहाँ पर मैं चले जाता हूँ सीधा ऊपर की तरफ. यस गाइस यार यहाँ पर ओके मैं बस सुन रहा हूँ यहाँ पर क्या कह रहा है. यस ये होना नहीं चाहिए यार. पता नहीं यार ये जिंजोलिन का प्लान क्या है. वैसे यार अकेले के दम पर यार जिंजोलिन यहाँ से कैसे आगे जा सकता है यार. वो कोई भी यहाँ पर मतलब यार समझने के बाहर है थोड़ा सा. बट सर के जो राज है ना गाइज जो यहाँ पे क्यों क्या कर रही है टीम प्लाज्मा वो अगले वीक में ही यहाँ पर रिवील होने वाले हैं. तो गाइज यार ये वीक को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ यानी कि इस एपिसोड को यहीं पर एंड कर रहा हूँ. तो गाइज यार आप लोगों को ये वाला है वीक एंड ये एपिसोड कैसे लगा तो यार जल्दी से जल्दी कमेंट में जाकर जरूर बताना. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल भी मत भूलना. मुझे फॉलो कर लो यार मेरे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. तो खैर आज इस वाले वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं. मिलते गाइज आप लोगों को मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एंड कल गाइज जरूर आना हेड्स एंड टेल्स का भी लास्ट एपिसोड है. लास्ट एपिसोड नहीं मेगा एपिसोड है एंड डाउनलोड टोटल भी है. तब तक के लिए गुड बाय.